शिवानी आई थी मेरे पास, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट आ रही थी शिवानी के लिए। चमक लग रही थी। तो वो कमेंट थी शिवानी के लिए कि शिवानी प्रेग्नेंट है, शिवानी को कौन सा मंथ लग रहा है शिवानी। तो यही व्लॉग था, आप सबके क्वेश्चन और शिवानी के ना आने का रीज़न ये था कि शिवानी इस वजह से नहीं आई थी। सभी को वेलकम टू प्रीति थेरेपी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपया आप सब पे बनी रहे। तो हो चुकी है सुबह और भाई आप सबको बताइए मेरी सुबह की शुरुआत किचन से होती है। और सच बताऊं तो अब से पहले मेरी रोटी चूल्हे पे बन चुकी है। रोटी मेरी बन गई, मैंने चूल्हे पर रोटी बनाई थी क्योंकि सुबह के टाइम पापा जाते हैं, आपको बताइए पापा बस पे गए, मैंने सुबह चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में फिर मैंने बनाई रोटी चूल्हे पे, फिर बच्चों के लिए पराठे बनाए क्योंकि उनको लंच बना के दे दिया। अब आज बनानी है चटनी। और मेरा दूध जम गया था लेकिन मैंने बिलोया नहीं, वैसे ही रख दिया था मैंने जल्दी जल्दी में, तो उनका चलो बाद में करते हैं उसका। क्योंकि पार्थ को ही मैंने दही दी थी, पार्थ ने दही पीनी, वो दही मुझे ही पीनी पड़ी। कुछ नहीं खाते यार, बस हर चीज़ ले मामा ये ले लो, मामा वो ले लो, मामा वो कर लो, और खाना पीना उनको कुछ है नहीं। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सच में, इतना अच्छा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, दिखाती हूँ आपको कि मतलब मन कर रहा है कहीं घूमने जाए। काश कोई हो जो मेरे साथ घूमने चले। जाने के लिए अकेले भी जा सकते हैं लेकिन बस मन ही नहीं होता अकेले जाने का। ठीक हो? आज का मौसम जबरदस्त। मैंने गेट खोला, अंकल साहब नहीं क्योंकि पार से आए, हेलो होती रहे उनकी। ये मेरा व्लॉग चल रहा है। रुक रुक, दिखाती हूँ कौन सा व्लॉग है। ये हम गए थे जब बागेश्वर बाबा आए थे तब। मैं आपको मौसम दिखाने गई थी लेकिन मुझे शर्म आ गई, अंकल थे सामने। तो देखो अच्छा मौसम, धूप भी नहीं है बिल्कुल भी, बारिश भी नहीं है और अच्छी अच्छी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में मज़े आते हैं घूमने के लिए। काश चलो कोई घूमने। सच बताऊँ मुझे ऑफर मिला है घूमने का वैष्णो देवी के लिए, माता रानी बुलाएगी तो ज़रूर जाऊँगी। आप सोचोगे बार बार, वैसे तो आप सबको बताइए मेरे हाथ चलाने की आदत है, ये मेरे हाथ चलते ही रहते हैं लेकिन आज मेरे हाथ ही यहाँ चल रहे हैं। मन कर रहा है नोजी को खुजा दूँ, खुजली हो गई। अब हाथ में खुजली हो तो पैसे मिलते हैं, अब नोजी में खुजली हो तो बता दी शायद जुकाम होएगा। अपनी जिंदगी भाई मस्त तरीके से जियो, सच में ही दुनिया चिढ़ने वाली बहुत है, प्यार करने वाले बहुत हैं लेकिन उन सबको बिल्कुल साइड करते हुए सिर्फ और सिर्फ जियो अपने लिए। क्योंकि अगर हम ठीक हैं तो हमारे अपने भी हमारा साथ दे रहे हैं। जिस दिन हम खाट पर लेट गए ना, कमर हमारी कमर खराब होगी खाट पर लेटे लेटे, खाट खा जाएगी हमारी कमर है और हमारे हो जाएंगे हमसे परेशान, हाथ जोड़ेंगे भगवान इससे तैयार उठाई ले यार ठीक कर दे। तो अपने लिए ऐसा नहीं बुलवाना हमें, अपने हाथ पैरों से अच्छे से काम करो, ठीक ठाक भगवान हमें चलाए, ठीक ठाक कानों से सुनता रहे, ये मुंह चलता रहे, दांत बनी रहे जो चबाने की चीज़ें खाते रहे, आंखें बनी रहे जो सब देखते रहे, पर मुंह बना रहे लेकिन किसी के लिए बात नहीं बनानी, ये मेरे उसूल है। अपनी जिंदगी कोई कैसे भी जियो उसे जीने दो, बस सबको सलाह दो कि भाई कुछ गलत ना करें जिससे हमारे मम्मी पापा का सर झुके। हमेशा अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ और अपने छोटों का प्यार और बड़े का आशीर्वाद बना रहे। मेरी चाय हो गई तैयार,
विशु मिर्च नहीं लेके आया हम। मैंने ये वॉलपेपर मंगाया था किचन में फैलाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा था कि ये वॉलपेपर जितना दिखा रखा है उस अकॉर्डिंग ये इतना आएगा कि स्लैब पे पूरी फैल जाएगी, लेकिन ये स्लैब पे पूरे नहीं फैला, ये बहुत कम फैला है। अब मैंने देख लिया ये अच्छा है तो मैं फिर दोबारा मंगाऊंगी। बाकी वैसे अच्छा है कि अगर गीला भी हो जाता है या कुछ भी हो तो बहुत इजी ये साफ हो जाएगा। है ना अच्छा? आप सब कहोगे तो सही, दिखाती तो हर बार है, खिलाती ही नहीं है। कभी मौका दो खिलाने का, खिलाएंगे जरूर। आज सुबह ये पैकेट आया है, इसकी एक लाइन में कितने बिस्किट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिस्किट है। सुबह टाइम हो रहा तो जो लठ बजने वाला, तो सुबह पापा जब इसे लेके गए ना नीचे तो मैं 10 का पैकेट लेगी पहले ही, और सुबह पापा मुझसे पूछ के भी गए कि आज मैं क्या लेके आऊं चाय के साथ, तो मैंने कि पापा रस ही लेके आना, मैंने की फैन या रस लेके आना क्योंकि बिस्किट मत लेके आना। मैं नीचे रस का पैकेट लेके भी चली चली, मुझसे कह रहे चलिए कुछ लेके आओ, मैंने की चलो जब आप इतना कष्ट कर रहे हो तो मैंने की मेरे लिए 2 बिस्किट ले आना। ऐसा लगा कि कोई रो रहा, मैंने कहा लेकिन वो बातें कर रहे हैं, मैंने कहा मेरे लिए 2 बिस्किट ले आना, 2 मंगाए लेके गए 4। शायद इस बच्चे की आवाज़ थी, देखो इसे स्कूल या आंगनवाड़ी जाना, लेकिन इनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी इसलिए यहीं खड़ी होगी। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ ना, स्पेशल मुझे दक्ष के टीचर ने तो बोला भी है, क्योंकि दक्ष और जल्दी करे स्कूल जाने की, मैंने दक्ष के सामने ही बोला, मैंने कहा सर आप ये बताए स्कूल टाइम है क्या, फिर उन्होंने बोला 8 बजे का टाइम है, कम से कम भी 10-15 मिनट पहले बच्चे आ सकते हैं, उससे पहले अगर आप बच्चे को स्कूल में छोड़ के जा रहे हो आप अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ के जा रहे हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें, क्योंकि जब हम ही स्कूल में नहीं होंगे तो हम बच्चों को कैसे देखेंगे। ऐसे खड़े रहते हैं कितनी आंटियां जो स्कूल पहुंच जाती है और आधा आधे 1 घंटे स्कूल में या स्कूल के बाहर वो बिता देती है। ठीक है, तो पापा लेके गए 4 बिस्किट, मैंने कहा पापा अगर पैकेट लेके आओगे ना तो एक लाइन तो मैं ही खा जाऊंगी पूरी, क्योंकि आप सबको पता ही है कुकीज मुझे कितना पसंद है। ये बहुत महंगा तेल हमने शिवानी के लिए लिया है, दिखाती हूँ आपको, अभी जब शिवानी रह के गई तो उस दिन क्या हुआ, शिवानी ये तेल भूल गई, मैंने फिर फ़ोन करा, फिर सतीश भाई साहब वापस आए, क्योंकि शिवानी उषा दीदी के साथ गई तो सतीश भाई साहब वापस आए, फिर शिवानी का तेल लेके गए, और थोड़ा सा तेल इसलिए बचा लिया क्योंकि दीदी उस दिन थी और बाद में वो गई, फिर उसके पैर की मालिश करी। क्या कर सकूँ मैं बता, क्या कर सकूँ, बस वो ही कर रहे हो। चटनी बनानी है, अभी पोछा लगाया, रोटी बन गई, आज पापा मुझे कहीं घुमाने लेके जाने वाले हैं, हमारे जल्दी जल्दी काम कर लूं, 10 बजने वाले हैं। ना ले जा रहे, मतलब मुझसे झूठ बोल रहे, चल फोन काट दे तू ना, मुझे ना करना टाइम पास दे गए। तो अभी जब शिवानी आई थी मेरे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट आ रही थी शिवानी के लिए, चमक लग रही थी, तो वो कमेंट थी शिवानी के लिए कि शिवानी प्रेग्नेंट है, शिवानी को कौन सा मंथ लग रहा है, शिवानी क्यों नहीं आई, शिवानी इसलिए नहीं आई क्योंकि शिवानी प्रेग्नेंट है, तो आप हमें बताओ उसको कौन सा मंथ लग रहा है।
पहले तो मैं आप सबकी गलतफहमी दूर कर दूं, शिवानी प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर शिवानी प्रेग्नेंट होगी तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये तो भगवान की ऐसी माया है जो आगे ही आनी है, कितना ही छुपा लो। ठीक है, तो आपको भी पता लग ही गया होगा शिवानी से ज़्यादा पेट तो मेरा ही हो रहा है। देखो शिवानी प्रेग्नेंट नहीं है। अब मंथ कौन सा लग रहा है भाई, जब बताऊं जब मंथ हो, तो अभी कोई सा मंथ नहीं है। आप सबकी कमेंट यही आ रही थी कि शिवानी नहीं आई क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शिवानी प्रेग्नेंट होगी तो हमें ज़्यादा लगता है कि हम डिलीवरी से पहले घर पे होके आ जाएं, लेकिन अभी शिवानी को कुछ नहीं है। मैं तो करूँ भगवान आप सबकी दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से, हम भी चाहते हैं जल्दी से हमें गुड न्यूज़ मिले, हम भी तरस। तो यही ब्लॉग था, आप सबके क्वेश्चन और शिवानी के ना आने का रीज़न ये था कि शिवानी इस वजह से नहीं आई थी, उसको लगा पहले कि छुट्टियां पूरी, अभी छुट्टियां हैं। हम सोचते नहीं, हम खुद होमवर्क के लिए जब हम स्कूल जाते थे हम भी सोचते थे आराम से करेंगे, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। शिवानी सोचा लास्ट वीक जाऊंगी, फिर उसे लास्ट में पता चला 24 जून को स्कूल खुलने वाले हैं, उसके बाद फिर उसका आना पॉसिबल नहीं हुआ। फिर उसने प्लान भी बनाया कि मुझे लास्ट वीक तो जाना ही जाना है। फिर उस टाइम बाबा की तबीयत खराब थी तो उसने कहा चलो देखने के लिए चलती हूँ, फिर ऐसा नहीं पता था कि बाबा ऐसे हो जाएंगे। फिर आपको पता ही है, अगर शिवानी उस टाइम मतलब तब भी आती तो फिर इतने लंबे टाइम के लिए वो आती भी नहीं, उसका आना पॉसिबल था 4-5 दिन के लिए ही। अब इस चीज़ में आप पूछो तो इसका रिप्लाई तो मेरे पास है नहीं। अब कितने दिन के लिए आते कितने दिन के लिए नहीं आते, ये आपको बताने से पहले ही तय हो जाता है। अगर हम ये बोल के जा रहे होते हैं हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 15 दिन से पहले ही फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं और 15वें दिन तो हमारा जीना हराम हो जाता है कि आज के दिन के लिए बोला था तो आज आना ही आना है। तो इस ये रीज़न था शिवानी के नाने का, बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं आई। आप सबको आइडिया हो जाना चाहिए, अगर शिवानी प्रेग्नेंट होती तो शायद वो बाबा के पीछे नहीं आती। वैसे तो वो कुल्ला करने के लिए नहीं आई थी, वो बाद में आई थी, लेकिन वो आती ही नहीं, और अगर आती तो 13वें वाले दिन जाती, उससे पहले के लिए वो नहीं जाती। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं बना लेती अपनी चटनी, मिर्च कम थी इसलिए जब तक ये मिर्च आई मैंने कहा ये ब्लॉग पूरा कर देती हूँ। तो चटनी भी आ चुकी है और मेरा ब्लॉग भी हो चुका है पूरा। ओके बाय बाय, मूड भी मेरा ऑफ हो चुका है, पापा ने कर दिया मेरा कैंसिल, मैं और पापा कहीं जाते हैं, अब जा ही नहीं रहे। तो वैसे मुझे बोल रहे अगर तो मेरी बेटी होगी तो जाएगी, मतलब मैं अकेली कैसे जाऊँगी। चलो अगर गई भी तो आपको ज़रूर आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। बाय बाय।